अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद था बनाने का कि कुछ गैप्स जो है मुझे लगा कि इसमें हैं जो कि हम फिलअप कर सकते हैं समझने के लिए मैनी चैट को, जो सनी भाई ने बीच में एक्सप्लेन किया था और बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया है। लेकिन मुझे लगा कि एक दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन आई मीन डिस्कस करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए। टेक्निकल पार्ट्स भी हैं इसमें कुछ। मैंने एक मेरे पास मैंने चैट का जो है वो मेरे ख्याल से आई थिंक $10 वाला ये पैकेज है जो प्लान उसका चल रहा है। एक ये हमने पेज बना रखा है अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्च लॉन्च का अमेज़ॉन पेज, जो कि ये है। और इस पेज में हमने अभी तो कुछ नहीं डाला, हम डाल देंगे। थोड़ा सा एक दो चीज़ें जो मैंने चैट की हैं वो समझ लें। अच्छा, बिफोर यू गो इनटू एनीथिंग आई मीन कुछ भी करने से पहले एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि फेसबुक मैसेंजर के जो है कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉलिसी हैं, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको, ये 24+1 वाली जो पॉलिसी है इसको फॉलो करें। 24 आवर्स का मतलब ये है कि फेसबुक कहता है कि जी बिजनेसेस एंड डेवलपर्स यूजिंग सेंड एपीआई हैव अप टू 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड टू ए मैसेज सेंट बाय ए पर्सन इन मैसेंजर व्हेन यूजिंग स्टैंडर्ड मैसेजिंग। अब इसका मतलब बेसिकली सिंपल सा ये है कि जब आपको कस्टमर, आपका विजिटर या कोई भी फेसबुक का यूज़र आपके पेज पर मैसेज कर रहा है तो आपके पास 24 घंटे हैं उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपने कोई बॉट बनाया है तो बॉट के पास भी 24 घंटे हैं उसको रिप्लाई करने के लिए। अगर आपने 24 घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो वो मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई, अब आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, यू आर डन। तो आपके बॉट में जाहिर सी बात है, हम तो बॉट इस तरह सेटअप कर रहे हैं कि जैसे ही मैसेज आया वो फ़ौरन ही रिप्लाई कर देता है, तो 24 घंटे का मसला यहाँ पर नहीं है। मसला कहाँ पर है कि उसके बाद की बात हो रही है कि जी 24 आवर्स लिमिट इज़ रिफ्रेश्ड ईच टाइम अ पर्सन रिस्पॉन्स। तो अब जब भी कोई कस्टमर ने या विजिटर ने या यूज़र ने मैसेज किया तो वो 24 घंटे की लिमिट आपकी रिफ्रेश हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको 24 घंटे मिल गए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप या आपका बॉट 24 घंटे के बाद सिर्फ एक मैसेज और कर सकता है उस बायर को, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद अगर बायर ने आपको जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, तो आपके पास फिर 24 घंटे आ गए, आप फिर उसको जवाब दे दें। तो ये कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप 24 घंटे के बाद सिर्फ एक ही मैसेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका दूसरा मैसेज जाता है तो फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं और आप रिस्क पे लगा रहे हैं अपने मैसेंजर की एपीआई को। आपका मैनी चैट भी जाएगा, आपका अपना मैसेंजर की एपीआई जो है वो आपके लिए ब्लॉक हो जाएगी, और हो सकता है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग का जो आपका अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अल्टीमेटली आप फिर आगे जो भी आपके लॉन्च के प्रोसेस हैं वो सारे आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसेस के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आप सीक्वेंसेस में सब्सक्राइब कर दें यूज़र को, तो उसकी भी अपनी एक पॉलिसी है जो कि आपको मिल जाएगी, यहीं कहीं लिखी होगी शायद, तो मैंने उसको देखा नहीं है। तो बहरहाल मैंने उसको पहले पढ़ा था, उसके अंदर भी आप एडवर्टाइजिंग मैसेज या प्रमोशनल मैसेजेस नहीं भेज सकते। आप कोई कंटेंट राइटिंग भेज सकते हैं, जो आर्टिकल है आपका, कोई इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर को भेज सकते हैं, लेकिन आप एडवर्टाइजिंग मैसेज नहीं भेज सकते, ठीक है। तो अब हमने एक यहाँ पे पेज कनेक्ट करवा रखा है और हम जाते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में, मैनी चैट में। और यहाँ पे आपने ग्रीटिंग टेक्स्ट डालना है। तो जी हमने कहा कि जी थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, प्लीज क्लिक गेट स्टार्टेड बटन बिलो। ये वो मैसेज है जब कस्टमर ने अभी तक गेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक नहीं किया, जब वो पेज पे लैंड करेगा आपके फेसबुक के, तो अगर ऑटो पॉपअप एक जाती है जो मैसेंजर की विंडो जब खुद ही खुल जाती है, तो ये मैसेज उसमें लिखा हुआ आएगा। आपने इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फ्लो, सॉरी ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में आपके पास वेलकम मैसेज है। ये वो जगह है जब कस्टमर या जो विजिटर या यूज़र आपका गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा तो मैनी चैट ये वेलकम मैसेज उसके सामने रखना रखतेगा ले जाके, और इसके आगे जो पूरा फ्लो बना होगा वो उस फ्लो को फॉलो करना शुरू कर देगा। आई मीन जो भी आपने इसके अंदर बातें रखी, तो अगर आपने वो सनी भाई वाला इम्पोर्ट कर रखा है तो वो आपने यहाँ पे कनेक्ट करवाना है या फिर आपने अपना नया बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, लेकिन ये मैं बाद में समझाता हूँ, पहले एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिप्लाई है। डिफ़ॉल्ट रिप्लाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आप वो मैसेज डालते हैं जिसका आपके बॉट को नहीं पता। आई मीन
आपके बॉट का आपने एक फ्लो बना दिया कि जी अच्छा ऐसा कहे तो कस्टमर विजिटर, ऐसा कहे तो आपने ऐसे करना है, या ये कहे तो वो करना है। लेकिन अगर उन सब के अलावा कोई और बात कह दी जो कि आपके बॉट को नहीं पता, तो आपका बॉट समझ नहीं पाएगा। तो आपने यहाँ पे उसका एक डिफॉल्ट रिप्लाई यहाँ पे सेटअप कर देना है, जिससे होता यह है कि जब उसको बॉट को कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो असाइन कर देगा उस मैसेज को टॉक टू ह्यूमन के ऊपर। तो टॉक टू ह्यूमन का बटन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और वो एक एक्शन है यहाँ पे जिसका मतलब यह है कि जी मार्क कन्वर्सेशन एज ओपन। और फिर वो मैनी चैट के अंदर ये फीचर है कि इसको ये ऑटोमेटिकली मैसेज कर देगा या ईमेल कर देगा। ये बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूँ अपने पेज का, तो उस पेज पे मुझे पर्सनल मैसेज आएगा कि जी ये फलाना कस्टमर का ये मैसेज है और इसको आप जवाब दें, या ईमेल की नोटिफिकेशंस भी आती हैं इसके लिए। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आपको कस्टमर से कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये सेटअप ज़रूर करें। फिर आ जाते हैं वेलकम मैसेज पे। जो लोग फ्लो सक्सेसफुली कॉपी कर चुके हैं यहाँ पे सनी भाई वाला, तो वो ठीक है, अच्छी बात है, आपको अगर आपका उससे काम हो रहा तो बेस्ट है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपने यहाँ पे वो फ्लो नया क्रिएट करना होगा। आप बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, मैं इतना डिटेल में अभी ये वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास ये तमाम बटन्स यहाँ मौजूद हैं। कोई भी हम चीज़ें लिखते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस लॉन्च कैंपेन फॉर एग्जाम्पल, प्लीज वी आर ऑफरिंग कंप्लीटली 100% फ्री प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दें, ये मैंने बस एक अपने ऑन टॉप ऑफ माई माइंड मैंने लिख दिया जो मुझे समझ में आया। अब यहाँ पे क्विक रिप्लाई के अंदर आप यस लेट्स डू दिस, ये आपने कर दिया। अब आपने इसका बताना है कि जी नेक्स्ट मैसेज आएगा या क्या करना है, जो भी नेक्स्ट एक्शन है आपने वो सेटअप करना होगा। मैंने बताया कि जैसे इसके अंदर बहुत बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं लिंक दे दूंगा मैनीचैट का, अपना एक पूरा 10+ आवर्स का फ्री वीडियो कोर्स है जो कि इन्होंने खुद बना रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, आप उसको ज़रूर कंप्लीट स्टडी कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने बताई हुई, एक्सप्लेन की हुई, तो आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो यस नो आप सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जब मजीद मैसेजेस हम चलाते हैं तो हम डिले जो है वो ऐड करते हैं। डिले का मतलब ये कि जब वो लिखा हुआ आता है ना, वो 3 डॉट्स जो है वो एनिमेट होते रहते हैं और उसमें लिखा आता है कि टाइपिंग या समवन इज टाइपिंग, तो ये चीज़ इससे आपको फ़ायदा मिलता है और आप यहाँ से इसको ज़्यादा या कम डिले भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम 2 या 3 सेकेंड्स का रखते हैं डिले टाइम, और आपको शो टाइपिंग का ये मैसेज अगर दिखाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं दिखाना तो आप छोड़ दें उसको। ठीक है, मजीद आप यहाँ से फ्लोस क्रिएट कर सकते हैं, सेंड मैसेज करना है या कोई परफॉर्म एक्शन करना है, फिर वही बात है कि वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेंगी। इसीलिए वो बेस्ट आइडिया है कि सनी अली वाला आप फ्लो कॉपी कर लें, ताकि आप इन इन सारे मतलब प्रोसेस से आपको अभी फिलहाल ना गुजरना पड़े। जब आपका फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे इनेबल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अभी इनेबल होगा नहीं क्योंकि कुछ एरर्स हैं इसके अंदर, हमें पब्लिश भी करना पड़ेगा, यहाँ पे एरर्स भी हैं तो ये भी हमें सही करने पड़ेंगे। तो जब वो यस लेट्स डू दिस पे क्लिक करेगा क्विक रिप्लाई पे, तो हमें कोई एक्शन देना है। अब वो एक्शन हो गया लेट्स से सेंड मैसेज का, तो सेंड मैसेज में हमने कहा जी सॉरी यहाँ हमने मैसेज डालना शुरू कर दिया। ओके ग्रेट, ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द परचेज। अब मैं अभी भी वही है क्विकली लिख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि आपने अगर ब्रेसेस डबल टाइम्स डालने हैं तो यहाँ पे फिर वो आपके पास शॉर्ट टैग्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप उसके फर्स्ट नेम से उसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम से रेफर करने का मतलब ये होता है कि आपने उसका नाम जहाँ जहाँ ज़्यादा आप लेते हैं, लोगों को पर्सनलाइज करते हैं, तो उससे इफेक्ट बहुत पड़ता है। ठीक है, ज़रूर इस्तेमाल करें नाम फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से, लास्ट नेम की खास जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम यूज़ करें। ओके ग्रेट, अगर आप मुझसे मुखातिब हैं और मुझे मेरा नाम आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो थोड़ा सा मुझे जो है वो फीलिंग आएगी कि जी मुझसे मेरा बंदा मुझसे बात कर रहा है तो मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा। तो ये है थोड़ा सा, आई मीन ह्यूमन साइकोलॉजी के इसके बड़े सारे डिफरेंट रीजंस हैं। तो कोशिश करें कि उसका नाम हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। हाय हुज़ैफ़ा, हाय, ओके ग्रेट हुज़ैफ़ा, लेट्स डू दिस। तो इस तरह आप मेरा नाम लेके अगर मुझसे बात करते रहेंगे तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूंगा आपसे बात करने में, मैं ज़्यादा इंगेज होने की कोशिश करूंगा आपसे। तो ये एक टेक्निक है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो जितने आप मैसेजेस बनाते हैं उसके अंदर आपने फर्स्ट नेम यूज़ करना है और ये फ्लो को कंप्लीट करना है।
अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये तो आपने यहाँ से पब्लिश करना होगा। लेट्स से हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम डिले डिले जो है वो कहता है कि जी लास्ट ऑप्शन डिले का नहीं होना चाहिए, हमने वो भी हटा दिया फिलहाल ताकि ये पब्लिश हो सके, ठीक है। कंटेंट पब्लिश हमने इनेबल भी कर देना है इसको। अब हम प्रीव्यू कर लेते हैं इसका। अच्छा, यू नीड टू ऑप्ट इन टू बी एबल टू प्रीव्यू द कंटेंट। अब मुझे दोबारा इसके साथ एक ऑप्ट इन करवाना पड़ेगा इसको ताकि ये मैसेज मुझे भेज सके, ठीक है। अब कहता है कि जी प्रीव्यू मैसेज हैज बिन सेंट, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गई है उसकी, तो मैं उसको देख लेता हूँ मैसेंजर में जा, ठीक है। ये मेरे पास एक मैसेज आ गया है अमेजॉन प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ से, थैंक यू फॉर। ये मैसेज मेरे पास डायरेक्ट इसलिए आया कि ये मुझे वो नहीं बता रहा ऑप्शन के जी गेट स्टार्टेड मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रीव्यू दे रहा है डायरेक्ट और टेस्टिंग पेज है, उसे पता है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। बाकी अब हम आ जाते हैं फेसबुक एड की तरफ, जब आप एड बना के उसे मैनी चैट से कैसे कनेक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने कैंपेन, न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है अपने फेसबुक मैसेंजर एड में। पेज आपने बना रखा है, आप यहाँ पे ट्रैफिक सेलेक्ट कर सकते हैं कंसिड्रेशन या ऑब्जेक्टिव के अंदर, या आप मैसेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रैफिक आपकी मर्जी है, मैं मैसेज ही सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा फ्लो डायरेक्ट मैसेजेस पे ही चल रहा है। तो मैं यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे दें, एम्जी प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन टेस्ट 1, ठीक है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं पर्सनली अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। डेली बजट मैं सेट करता हूँ इसका, लेट्स से $10 का, आप अपनी आपकी मर्जी है। अच्छा, कैंपेन बिड स्ट्रेटजी लोएस्ट कॉस्ट पे मैं रखता हूँ इसको, मैं चेंज नहीं करता, इसको कंटिन्यू कर दें। अच्छा, एड सेट का नेम आपने जो भी रखना है, कैंपेन लॉन्च टेस्ट 1 या व्हाट्स एवर जो भी आपको ठीक लगता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव मैसेज सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए हमें ये यहाँ बता रहा है कि जी क्लिक टू मैसेंजर का ऑप्शन हमें देना है। स्पॉन्सर्ड मैसेज, अच्छा स्पॉन्सर्ड मैसेज वो है जब हम सॉरी फेसबुक को पे करते हैं मैसेज करने के लिए वो ऑडियंस को जो कि हमारे पेज पे ऑलरेडी लाइक कर रही है, या शायद उन्होंने पास्ट में हमसे मैसेज करके कॉन्वर्सेशन की थी। ये स्पॉन्सर्ड मैसेजेस वो होते हैं, फेसबुक हमें चार्ज करता है आई थिंक $30 फॉर 1000 मैसेजेस, इस तरह कुछ इनकी फीस है। बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे अभी, हम क्लिक टू मैसेंजर पे ही रहते हैं। ऑडियंस ऑडियंस सेलेक्ट कैसे करनी है, टारगेटिंग, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, ये एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है जिसके अंदर हमें बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, एडिट प्लेसमेंट में आ जाएं, तो इसको ऑटोमेटिक पे ना रखें, इसको एडिट कर दें ताकि आपको पता हो। जैसे ये मार्केट प्लेस में जा रहा है, मैं मार्केट प्लेस यूज़ मैं नहीं करता, आप चाहें तो आप ज़रूर करें, इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करता। अच्छा, मैसेंजर में तो हमें चाहिए, इनबॉक्स में अगर आपने दिखाना है तो आप उसके लिए इसको रखें, वरना ये फेसबुक के जो फीड्स हैं डेस्कटॉप फीड्स हैं वही वहीं पर चल रहा होगा। तो अगर मैसेज के इनबॉक्स में भी आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें, मैंने इनेबल कर रखा था वैसे, ठीक है। बजट एंड स्केड्यूल, रन माई एड कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे, ये आपको चेंज करना है तो आप कर लें, बिल्कुल करें, अगर आपको फिक्स डेट्स रखनी है तो वहाँ पर। अच्छा, मैं स्टॉक इमेजेस भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि मुझे अपलोड नहीं करनी है कोई नई अपनी इमेज, तो जो भी फेसबुक के पास अवेलेबल है हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये अज्यूम कर लें कि ये आपका प्रोडक्ट इमेज है। ठीक है, ये ऐड 2 में आ रहा है मेरे पास, डिलीट नहीं करने देना मुझे। लेट्स से तो अब ये पेज भी मेरा सेलेक्टेड है, पेज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फेसबुक पेज रिप्रेजेंट्स के अंदर से जाके, और यहाँ पे आपने टाइप करना है टेक्स्ट। मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूँ जो मैं चाहूँगा कि यूज करना पार्ट ऑफ आवर अमेजॉन कैम प्रोडक्ट अमेजॉन लॉन्च कैंपेन वी आर ऑफरिंग, या ये कह लें वी आर गिविंग अवे 50 यूनिट्स ऑफ, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, लाइक ग्रिडल यूज कर लें, ऑफ दिस ग्रिडल फॉर फ्री, ठीक है। तो आपने जो है वो ये एक थोड़ा सा ऐसा कुछ मैसेज बना दिया कि जो वैसे ही अमेजोन आई मीन सॉरी जो बायर्स हैं आपके
विजिटर्स हैं उनको थोड़ा सा लिक्रेटिव लगेगा। कनेक्ट इन मैसेंजर यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ऑर्डर इन मैसेंजर नाउ। ये हम इसलिए चेंज कर देते हैं कि थोड़ा सा कस्टमर को लगे कि वो ऑर्डर करने के लिए उसे मैसेंजर में जाना पड़ेगा, उसे क्लिक करके किसी वेबसाइट पे नहीं जाना जहाँ जाके वो ऑर्डर करे। क्यों? क्योंकि हमें वो फ्लो चाहिए पूरा ताकि वो एग्जीक्यूट करे। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज़ योर बॉट्स गेट स्टार्टेड स्क्रीन सेलेक्टेड रखना है, और इसे हम रिव्यू करके या कंफर्म करना चाहें डायरेक्टली तो आप कंफर्म कर दें। अब एक्चुअली ये ऐड लाइव हो जाएगा फ्यू मिनट्स में, मेरे ख्याल से इसे ये लाइव कर देगा। तो हमने करना, हमने बस ये मेक श्योर करना है कि हमारा बॉट वगैरह प्रॉपर चल रहा है। पहले प्रीव्यू ज़रूर करें, टेस्टिंग ज़रूर करें इसकी, ताकि ये चलना शुरू हो जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ साथ साथ कि सेंड मैसेज का ये बटन यहाँ पे, जब आपका पेज अगर नया है तो ये क्रिएटेड नहीं होगा, ये एक्चुअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब आप क्लिक करते हैं उस पर तो ये पहले बटन का आपको पूछता है कि जी कनेक्ट बुक विथ यू, या कोई भी और ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने तो आप कर सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट यू में सेंड मैसेज को इनेबल कर दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट में मैसेंजर सेलेक्ट करूँगा और फिनिश कर दूंगा। इससे होगा ये कि कस्टमर अगर मैसेज ये प्रेस करता है तो डायरेक्ट वो मैसेंजर में जा सकता है या मैसेज आपको कर सकता है आपके पेज पे। आप चाहें तो इसे टेस्ट बटन यहाँ से भी कर लें। ये वो गेट स्टार्टेड की स्क्रीन है जो कि आप जब आपका यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने प्रीव्यू करके ऑलरेडी देख लिया है, हमारे पास मैसेज भी आ रहा है। तो ये एक पूरा तरीका है फेसबुक के साथ इसे कनेक्ट करने का और आपकी कैंपेन जो है उसको रन करने का, इन टर्म्स ऑफ कि जी आपके प्रोडक्ट लॉन्च जो बनाना है, जो तरीका सनी अली भाई ने बताया है उसके थ्रू हम जो कर रहे हैं। बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो गैप थे बीच में, तो मुझे लगा कि हम उसको फिलअप कर लें इस तरीके से। आई होप इट हेल्प्स। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।